Hello dear students, I am Karishma Patel from Aswamit Vidyalaya. Dear students, we have continued chapter number 16 in EVS and we have completed part 1 and part 2 in chapter 16. Okay, so today we will start page number 133. Okay, so now start. Now we will see bird feet, different kind for different needs. Okay, so now first, so this type of feet, so web feet. Okay, so the first type of feet is web to feet, which help to swim. The water duck is having web to feet. जो इस टाइप की फिट होती है वह किसकी? डक की होती है. टू स्विम इन वाटर, जो वाटर में स्विम करने के लिए इसे यूजफुल होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज टू क्लाइम द ट्री. इस टाइप की जो फिट होती है वह बर्ड्स को ट्री पे क्लाइंब करने के लिए यूजफुल होती है, जैसे वुड पेकर की होती है, पारपेट की होती है. ओके, एंड नाउ थर्ड, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. ट्री की ब्रांचेस में होल्ड करने के लिए यूजफुल होती है इस तरह की जो फीट होती है, जैसे कि पैरट की होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, सो टू वॉक ऑन द लैंड. लैंड पे वॉकिंग करने के लिए यूजफुल होती है. सो इस बर्ड्स जैसे कि स्टॉर्क की होती है, फ्लेमिंगो की होती है. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, टू कैच द प्रे. व्हाट इज हंट्स? जो प्रे शिकार करने के लिए इसी नुकीली फीट यूजफुल होती है, जैसे ईगल की होती है, हॉक की होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड. सो यहाँ पर बीक्स दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की बीक दी गई है. सो फर्स्ट, टू टीयर एंड ईट मीट. इस टाइप की जो बीक होती है जो मीट को खाने के लिए होती है, जैसे शार्प टाइप होती है, जैसे जैसे कि ईगल की होती है. ओके, नेक्स्ट, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स. ट्री की ट्रंक्स में वुड की जो ट्री ट्रंक्स होती है उसमें होल्स करने के लिए यूजफुल होती है इसी, जैसे कि वुड पेकर की होती है, बारपेटी की होती है. ओके, एंड नेक्स्ट, टू सक नेक्चर फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स में से फ्लावर्स का जो रस होता है वह पीने के लिए ऐसी नुकीली लंबी सी भी यूजफुल होती है, जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स की होती है. नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर. इस तरह की जो बीक होती है वह इंसेक्ट्स को फाइंड करने के लिए होती है, जैसे सैलो वाटर में से या वर्म्स में से, कीचड़ में से कीड़े मंकोड़े को निकालने के लिए यूजफुल होती है. एंड नेक्स्ट, टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. इस टाइप की जो छोटी सी बीक होती है वह सीड्स को क्रश करने के लिए यूजफुल होती है, चबाने के लिए, जैसे हैंड की होती है. ओके, नाउ लास्ट, टू कट एंड ईट एनी काइंड ऑफ फूड. इस टाइप की जो बीक होती है वह फूड को कट करने के लिए यूजफुल होती है, जैसे क्रॉकी होती है. ओके, नाउ एनिमल टीथ. यू हैव सीन डेट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. अपने कई एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ देखे होंगे. सो नाउ लुक दिस पिक्चर्स, एंड काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास. काउस के टीथ कैसे होते हैं? शॉर्ट फ्रंट टीथ होते हैं. एंड द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट और फॉर च्यूइंग द ग्रास. उसके जो साइड के टीथ होते हैं वह फ्लैट होते हैं, लार्ज होते हैं एंड फ्लैट होते हैं, जिससे वो ग्रास है वह च्यूइंग कर सकती है, चबा के खा सकती है. एंड नेक्स्ट, कैट. कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट्स. जो कैट्स की जो टीथ होती है वह साफ होते हैं, जिससे वह मीट खाता है और मीट को चबाने के लिए यूजफुल होता है. नेक्स्ट इज स्नैक. स्नैक्स हैव शार्प कवर्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे. सो जो स्नैक है वह स्नैक अपना जो प्रे शिकार करता है वह अपने शिकार को चबा के च्यू करके नहीं खाता, बल्कि स्नैक्स ऑलवेज सैलो देयर फूड होल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्क्वेरल.
मीन्स गिलहरी. स्क्वेरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ. जो स्क्वेरल के टीथ होते हैं ऑलवेज एवरी लाइफ में ग्रोविंग करते हुए लंबे बढ़ते ही रहते हैं. सो दे हैव टू कीप गनॉविंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग. उसको उसके टीथ को लॉन्ग न होने के लिए वह ऑलवेज गनॉविंग करती रहती है, कुछ ना कुछ कट करती ही रहती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट योर ऑन टीथ एंड राइट. आपको यहाँ पर अपना ऑन आंसर लिखना है, अपने बारे में लिखना है. आपको यहाँ पे अपनी योर एज लिखनी है, हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, अपने टीथ कितने हैं वह लिखना है. हैव एनी ऑफ योर टीथ फेल ऑन और ब्रोकन, हाउ मेनी, अपने कितने दांत टीथ है वह ब्रोकन हो गए हैं वह उसके नंबर्स लिखने हैं. एंड हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, आपके न्यू टीथ कितने आए हैं उसकी नंबर्स लिखने हैं. हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ, आपके मिल्क टीथ मीन्स जो आपके फर्स्ट टाइम के टीथ होते हैं वह कितने फैलन हो चुके हैं और उसकी जगह पे कितने न्यू टीथ आए हैं उसके नंबर्स लिखने हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका ऑन आंसर लिखना है. नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ. लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के टीथ के बारे में लिखना है. आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, सो यस देयर आर डिफरेंट टाइप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन माई फ्रेंड्स माउथ. सो ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक. कैन यू सी एनी डिफरेंट बिटवीन दिस टीथ, सो यस देयर आर डिफरेंट बिटवीन दिस टीथ. बैक टूथ इज ब्रॉड एंड थिक, pierce the front tooth is sharp and flat. Okay, now next imagine and share. Aapko imagine karna hai. So first, if you did not have front teeth both top and bottom, how would you eat a guava? Act and show how. So aap imagine kijiye ki aapke jo front teeth hai jo both and top side ke dono nahi hote to aap गुआवा जो है वह कैसे खा सकती. सो वी वुड नॉट टू बी अबल टू बाइट द गुआवा. ओके, नाउ नेक्स्ट, यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक. समवन गिव्स यू अ रोटी, सो हाउ वुड यू ईट इट. सो आपके जो फ्रंट टीथ है वह होते लेकिन जो बैक साइड के टीथ है वह न होते तो आप कोई आपको रोटी देता तो आप कैसे खा सकते. सो वी वुड हैव नॉट बीन अबल टू च्यू द फूड, किसी भी फूड्स को चबा के नहीं खा सकते और रोटी भी नहीं खा सकते. नेक्स्ट, यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी अबल टू ईट. अगर आपका कोई भी टीथ नहीं होता तो आप कैसी चीजें खा सकते. सो ओनली सॉफ्ट फूड खा सकते हैं लाइक दाल राइस खिचड़ी. ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट. आपको किसी भी ओल्ड पीपल से फाइंड आउट करना है जिसके टीथ नहीं है और व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट, वह कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते उसके बारे में फाइंड आउट करना है. सो जो ओल्ड पीपल होते हैं तो उसके जो टीथ होते हैं जो मोस्ट ऑफ गिर चुके होते हैं. सो वह लोग जो ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते जैसे कि नट्स है, टोस्ट है, हार्ड फ्रूट्स जैसी चीज़ें नहीं खा सकते. ओके, सो नाउ हियर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो. सो यहाँ पे आपको किसी भी बर्ड्स का पिक्चर्स ड्रॉ करना है और उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल देना है. ओके, सो हियर आवर चैप्टर 16 इज कंप्लीटेड एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो.